चाचा चौधरी और छुट्टी का दिन। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, सब लोग हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते हैं, हम क्यों नहीं? साबू, हमें भी आराम की जरूरत है। आज से हम भी हफ्ते में एक दिन काम नहीं किया करेंगे। ये नियम कब से लागू होगा चाचा जी? आज से। आज हम यहाँ बैठकर सिर्फ आराम करेंगे, बस आराम ही आराम। और फिर साबू और चाचा चौधरी सुस्ताने लगते हैं। तभी उनके कानों से एक कर्ण भेदी आवाज टकराती है। साबू चौंक जाता है। ये शोर कैसा चाचा जी? साबू, ये शोर नहीं, तुम्हारी चाची संगीत का रियाज कर रही है। अभी वह हमें अपने सामने बिठाकर ठुमरी और दादरा भी सुनाएगी। साबू तुरंत वहाँ से दुड़की हो लेता है। इससे पहले कि चाची हमें ये सजा दे, हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए चाचा जी। चलो कहीं और चले। दोनों भागते भागते एक खंडहर के पास पहुँचते हैं। वहाँ सामने खंडहर में बैठकर दिन बिताया जाए, यहाँ परेशान करने कोई नहीं आएगा। खंडहर के अंदर। वाह, अंदर कितनी शांति है, यहाँ चाची भी नहीं आ पाएगी चाचा जी। तुम ठीक कहते हो साबू। इधर खंडहर के अंदर बिल्लू और गब्दू। बिल्लू, खंडहर में मुझे किसी के पदचापों की आवाज सुनाई दी है, कोई अंदर आया है। गब्दू, कोई संगीत प्रेमी ही होगा जो हमारे सुपर बैंड को सुनने हमारे पीछे पीछे चला आया। कई संगीत के सच्चे कदरदान भी होते हैं गब्दू। और दोनों ऑल सेट हो जाते हैं। रॉक एंड रोल, 1 2 3। और उन दोनों का संगीत चाचा चौधरी और साबू के कानों से टकराता है। है? साबू अंदर झांकता है। चाचा जी, हम बड़ी मुसीबत में आ फंसे। अरे बंद करो ये शोर, ये सब क्या है? बिल्लू का सुपर बैंड। तो ये सुपर बैंड तुम अपने घर जाकर बजाओ ना। वहाँ से मोहल्ले वालों ने हमें मार कर निकाला है। हमने सोचा इस पुराने खंडहर में बिना रोक टोक के बैंड बजाएंगे। हाँ तो गब्दू, फिर से शुरू हो जाओ। और दोनों अपना संगीत दोबारा शुरू कर देते हैं। चाचा चौधरी और साबू। अरे बाप रे, भागो साबू। थोड़ी दूरी पर जाकर, साबू आखिर हमें एक सुरक्षित जगह मिल गई, जहाँ हम अपनी छुट्टी शांति से बिता सकते हैं। चाचा चौधरी उस मकान पर लगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हैं। संगीतकारों का अंदर आना मना है। ये देखो, यही है हमारी मंजिल। चाचा चौधरी वही दीवार से टेक लगाकर बैठ जाते हैं। छुट्टी बिताने के लिए ये स्वर्ग है, यहाँ हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी मकान की खिड़की में से पिंकी झांकती है। नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है, आप अंदर आ जाइए। चाचा जी, कहीं हमें फिर से फंसाने का ये षड्यंत्र तो नहीं? पिंकी, मैं चाचा चौधरी हूँ और मेरे साथ है साबू। तुम्हें कोई गाना वगैरह गाने का शौक तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आओ साबू, अंदर चले आओ, कोई खतरा नहीं है। चाचा चौधरी और साबू घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोनों जाकर कमरे में आराम से सुस्ताने लगते हैं। मैं एयर कंडीशनर चला देती हूँ, आपको ठंडी हवा मिलेगी। वाह पिंकी, तुमने हमारा कितना ख्याल किया, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का, ऐसे श्रोता रोज रोज थोड़े ही मिलते हैं। श्रोता? हाँ, तुम्हें सिर्फ मेरी ये 500 नई कविताएं सुननी है। मर गए। कहाँ फंसे चाचा जी? दोनों वहाँ से एक बार फिर दौड़ लगा देते हैं। भागो, ये 500 कविताएं खत्म होने से पहले ही मेरा दम निकल जाएगा चाचा जी।
थोड़ी दूरी पर जाकर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम चैन से अपनी छुट्टी मना सकें। बेहतर होगा कि हम घर ही लौट चलें और चाची का दादरा ठुमरी ही सुन ले, वो कम कष्टदायी है। साबू ठीक है। दोनों घर पहुँचते हैं। आगे यहाँ बैठो और मेरा गाना सुनो। तभी पिंकी भी वहाँ आ जाती है। यदि आप मेरी इन 500 कविताओं को गाकर सुनाएंगी तो और भी लुत्फ आएगा। अच्छा सुझाव है। और बिल्लू भी अपने सुपर बैंड के साथ वहाँ आ धमका। और अगर आप सुपर बैंड के साथ गाएंगी तो वो समा बंधेगा कि ये वर्ष की सबसे महान घटना होगी। चाचा चौधरी और साबू। साबू, यहाँ आकर हमने आत्महत्या की है। हम अकेले सिर फिरे से ही परेशान थे। अब सब इकट्ठे मिलकर हंगामा करेंगे तो जिंदा बचना नामुमकिन है। दोस्तों, वर्ष का सबसे सुपर हिट शो शुरू होने जा रहा है। 1, 2, 3 और वो सब शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर में। अरे चाचा जान और साबू कहाँ गए? लगता है फिर भाग गए। वे यहाँ है। अरे इस बार आप लोग भागे क्यों नहीं? हमने कानों में रुई ठोस ली थी।